बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफिरा के बारे में। अगर हम लोग इसके वर्ड के ऊपर फोकस करें तो पोरीफिरा यानी कि ऐसे एनिमल्स हैं जो के जिनके अंदर पोर्स मौजूद हैं, पोर बेरिंग एनिमल्स। ये सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव एनिमल्स हैं। ये क्या है? मोस्ट प्रीमिटिव प्रीमिटिव एनिमल्स, सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट प्रीमिटिव एनिमल्स हैं। अगर हम लोग इसके वर्ड को देखें, पोरी फिरा, ठीक है, एक लितानी जबान का वर्ड है, इसका नाम है पोरस यानी कि पोर। इसके के अंदर क्या मौजूद होंगे? पोर मौजूद होंगे। और फिरा, फिरा का मतलब है टू बियर। ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद हैं। पोर बेरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड फाइलम पोरी फिरा। अब ये जो है ना, इनको आम तौर पर हम लोग स्पॉन्जेस का भी नाम देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस। फाइलम पोरी फिरा आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। अब ये इनका जो हैबिटेट है, सारे के सारे जो है ना एक्वेटिक हैबिटेट में जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। हैबिटेट ऑफ फाइलम पोरीफिरा, कौन सा हैबिटेट है फाइलम पोरीफिरा का? फाइलम पोरीफिरा एनिमल एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं? ये पानी में रहते हैं। 5000 इसकी स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ 150 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। हाउ मेनी स्पीशीज एग्जिस्ट इन फाइलम पोरीफिरा? स्पीशीज ऑफ फाइलम पोरीफिरा 5000। कितनी स्पीशीज हैं इसकी? 5000, क्लियर। और इसमें से भी जो है ना 150 ऐसी स्पीशीज हैं, 150 जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? फ्रेश वाटर में। 150 स्पीशीज एग्जिस्ट इन फ्रेश वाटर, बाकी सारी की सारी कहाँ पे रहती हैं? मेरीन इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फाइलम पोरीफिरा में पाई जाती हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफिरा। अब ये जो एनिमल्स हैं ना, ये कंपोज्ड हैं। ये किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत ज़्यादा सेल से। और इनके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई इनके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है। नो टिश्यू एज वेल एज नो ऑर्गन एग्जिस्ट इन फाइलम पोरीफिरा। नो टिश्यू एज वेल एज नो ऑर्गन, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन। जब टिश्यू ही नहीं होगा तो ऑर्गन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। स्पॉन्जेस की कोई सिमेट्री नहीं होती। अगर हम लोग इसके हवाले से बात करें, इसकी सिमेट्री के हवाले से बात करें, तो इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। लैक सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ फाइलम पोरीफिरा लैक, इसमें सिमेट्री की कमी होती है। ज्यादातर जो स्पॉन्जेस की बॉडी वाल है ना, वो आउटर लेयर से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? बॉडी वाल, स्पॉन्जी बॉडी वाल की बात कर लेते हैं। बॉडी वाल ऑफ फाइलम पोरीफिरा, ज्यादातर स्पॉन्जेस की जो बॉडी वाल है वो कहाँ से मिलके बनती है? आउटर लेयर से, आउटर लेयर से, जिसको हम लोग नाम देते हैं पिनाकोडर्म का। किसका नाम देते हैं? पिनाको
डर्म का। पी नाको डर्म। अब ये जो पिनाको डर्म है ना, मेड अप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग पिनाको साइट्स का नाम देते हैं। ये पिनाको डर्म किससे मिलके बनती है? मेड अप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग नाम देते हैं पिनाको साइट्स का। पी नेको साइट्स। पिनाको डर्म आर मेड ऑफ मैनी सेल्स जिसको किसका नाम दिया हुआ है? पिनाको साइट्स का। और ना सिर्फ ये कि इसके अंदर आउटर वाल है बल्कि इसकी इनर वाल भी है। कौन सी इनर वाल? इनर वाल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। उसमें क्या आ जाता है जी? उसमें क्वानोडर्म है। क्या है जी? क्वानोडर्म। अब ये जो क्वानोडर्म है ना, ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी हुई है। किससे से मिलकर बनी हुई है? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी हुई है। मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? क्वानोसाइट्स का। किसका नाम देते हैं? क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के दरमियान। एक तो हो गई आउटर ले और एक हो गई इनर ले, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है ना एक जिलेटिनियस मेसेनकाइमा मौजूद है जिसके पास बेशुमार एमोबॉइड सेल्स और स्पिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर क्या मौजूद है? जिलेटिनियस मेसेनकाइमा। क्या मौजूद है? जिलेटिनियस मेसेनकाइमा। जिलेटिनियस मेसेन काइमा प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर। ये कौन सा मेसेनकाइमा है? जिलेटिनियस मेसेनकाइमा जो कि इनर और आउटर लेयर में मौजूद होता है। अब इस जिलेटिनियस मेसेनकाइमा में क्या मौजूद होता है जी? बहुत ज्यादा एमोबॉइड सेल्स, एमोबॉइड सेल्स और स्पिक्यूल्स। क्या मौजूद होते हैं? स्पिक्यूल्स, या फिर हम लोग इसको स्पॉन्जिंग फाइबर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्पॉन्जिंग फाइबर्स का। जिंग फाइबर्स। मैंने आपके सामने जो है ना क्वानो फाइलम पोरिफेरा की थ्री लेयर्स की बात की। एक थी आउटर लेयर, ठीक है, जो कि पिनाकोडर्म से निकली हुई थी। और पिनाकोडर्म जो है ना, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पिनाकोडर्म, जो कि बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई थी जिसका नाम है पिनाकोसाइट्स। उसके बाद हम लोगों ने इनर लेयर की बात की। इनर लेयर क्वानोडर्म से है। इनर लेयर कहाँ से है? इनर लेयर क्वानोडर्म है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर लेयर इन फाइलम पोरिफेरा? तो वो क्वानोडर्म है। क्वानोडर्म फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी हुई है। अब इनर और आउटर लेयर के दरमियान एक जिलेटिनियस जो है ना मेसेनकाइमा सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। और अब इस जिलेटिनियस मेसेनकाइमा में एमोबॉइड सेल्स और स्पिक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। मैं आपको जो है ना स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका, जिससे आपको जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फाइलम पोरिफेरा का होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। तो इसमें आप लोग जो है ना ये देख सकते हैं
कि सबसे पहले जो है ये क्या पाई जा रही है, ये पिनाकोसाइट्स पाई जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ से निकली है, पिनाकोडर्म से। और ये कौन सी लेयर है, ये आउटर लेयर है, क्लियर है, एक पिनाकोसाइट्स, ठीक है। अब देखें ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर है, जिसके अंदर आपको ये स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एमेबॉइड सेल्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, स्पिक्यूल्स और एमेबॉइड सेल्स नजर आ रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इनर लेयर के हवाले से, ठीक है। अब जो इनर लेयर है ना, वो मिलकर बनी हुई है क्वानोडर्म से। किससे मिलकर बनी हुई है, क्वानोडर्म से। और क्वानोडर्म उस वक्त उसकी फॉर्मेशन होती है जब इसके अंदर जो है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स को हम लोग क्वानोसाइट्स का नाम देते हैं। ये देखें जो रेड से रिप्रेजेंटेशन की गई है, ये क्वानोसाइट्स हैं और ये इनर लेयर है फाइलम पोरिफेरा की, क्लियर है। अब ये इनर लेयर और ये आउटर लेयर के दरमियान क्या मौजूद है, एक मेसेनकाइमा जिलेटिनियस स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर एमेबॉइड सेल्स और इसके साथ साथ स्पिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। ये तो हो गई थी इसकी बॉडी वाल के हवाले से कि किस तरह की इसकी बॉडी वाल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइज के हवाले से कि कितना एवरेज इसका जो है ना वो साइज एग्जिस्ट करता है, साइज ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, साइज इसका जो साइज है ना वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर जो है ना मोर देन 1 मीटर तक मैक्सिमम जाता है, ठीक है। फ्यू मिलीमीटर से लेकर कहाँ तक जाता है, 1 मीटर तक, फ्यू मिलीमीटर टू 1 मीटर, इस रेंज में जो ना इसका साइज होता है। ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनको हम लोग जो है ना आम आंख से भी देख सकते हैं। ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। सिंगल कैविटी इनके अंदर मौजूद होती है, जिसको हम लोग स्पॉन्जी सॉइल बोलते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होती है, एक सिंगल कैविटी मौजूद होती है, सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी, जिसका जिसको किसका नाम देते हैं, स्पॉन्जो सॉइल का, स्पॉन्जो सॉइल। ये क्या है, एक सिंगल कैविटी है विद इन द बॉडी, सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल एक सेंटर में एक कैविटी पाई जा रही है। ये इसकी सारी की सारी बॉडी है, सेंटर में जो कैविटी पाई जा रही है इसको हम लोग स्पॉन्जो सॉइल का नाम देते हैं। इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा जो स्पॉन्जेस के अंदर जो स्पॉन्जो साइल ना उसको डिवाइड कर दिया जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में या फिर केनाल्स में, ठीक है। इसको हम लोग मजीद जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन में इंशाल्लाह जो है ना डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं इसकी बॉडी वाल के अंदर, ठीक है। क्या मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ना इनके जरिए जो वाटर है ना वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, बॉडी के अंदर दाखिल होता है। और वो स्ट्रक्चर जहाँ से वाटर बॉडी के अंदर दाखिल होता है उसको हम लोग ओस्टिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ओस्टिया का नाम देते हैं। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओस्टिया। ये किसका स्ट्रक्चर है, ओस्टिया। इस स्ट्रक्चर की मदद से वाटर ने क्या होना है, बॉडी के अंदर दाखिल होना है। अब पोर जो है ना जिसके जरिए पानी जो है ना बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको हम लोग ओस्क्यूलम का नाम देते हैं। ओस्टिया के जरिए वाटर ने बॉडी के अंदर दाखिल होना है, ठीक है, और ओस्क्यूलम के जरिए वाटर ने बॉडी से बाहर जाना है। अब पोर बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी इज नोन एन एज ओस्क्यूलम, ठीक है। ये मेन ओपनिंग है, ये क्या है, ये मेन ओपनिंग है। इसके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है।
नो रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन. क्लियर? मैं इसको यहां पे लिख भी देती हूँ. नो सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम इन फाइलम पोडिफेरा. ठीक है, इसकी नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसकी मोशन के हवाले से बात कर लेते हैं. जो स्पॉन्ज होती है ये ससाइल होती हैं, ये हरकत नहीं करती. ससाइल स्पॉन्जेस आर ससाइल. अब ये फूड के लिए जो है ना किस पे डिपेंड करती हैं? वाटर के ऊपर. ये कहाँ से अपनी खुराक को हासिल करती हैं? वाटर में. डिपेंड अपॉन द फूड कमिंग टू देम अलोंग द वाटर करंट्स ब्रॉट अबाउट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट. अब ये देखिए, मैंने बताया था कि क्वानोसाइट्स के में क्या मौजूद होते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं. उन फ्लैजिला की मदद से जो है ना वाटर करंट के जरिए पानी जो है वो दाखिल होता है बॉडी में. मैं इसको आपको रिप्रेजेंटेशन भी इसकी दिखा देती हूँ. इसमें इसकी जो खुराक है उसमें स्मॉल एनिमल्स आ जाते हैं, जू प्लैंकटन आ जाते हैं, और फूड देखिए हम लोग इसकी खुराक में क्या क्या आ जाता है. फीडिंग ऑफ फाइलम पोडिफेरा. अगर हम लोग एनिमल्स के हवाले से बात करें तो इसकी खुराक बन जाते हैं जू प्लैंकटन्स, एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल्स के हवाले से देखें तो इसकी खुराक क्या है? जू प्लैंकटन. ठीक है, जबकि अगर हम बात करें प्लांट्स के हवाले से तो वो है फाइटो प्लांकटन. अब इसने विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ देयर फूड. ये एनिमल्स और प्लांट से फाइलम पोलिफ्रा की जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% अपनी खुराक का हासिल करती है. कितने परसेंट? 20%. जबकि अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक पार्टिकल डिट्राइटल के हवाले से तो वहाँ से 80% जो है ना ये फाइलम स्पीशीज जो है ना अपनी खुराक को गेन करती हैं. कहाँ से हासिल करती हैं? डिट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल, डी ट्राई टल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. कितना सोर्स है जी? ये 80% सोर्स है फाइलम पोरिफेरा को खुराक हासिल करने का. अब फूड ने जो एंटर होना है स्पॉन्जो सॉइल कैविटी में ओस्ट्रिया के जरिए. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक क्वानोसाइट्स का. ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं ये कॉलर सेल्स मौजूद हैं. ठीक है, और ये जो रेड से रिप्रेजेंटेशन बॉल की सूरत में की गई है ये ट्रैप्ड फूड पार्टिकल है. क्लियर है? और नेक्स्ट जो है ना ये इसमें फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. अब इस स्ट्रक्चर पे अगर फोकस करें तो हमें आप लोगों को ये नज़र आएगा कि ये जो स्पॉन्जोसाइल है इसमें इस ओस्ट्रिया के जरिए जो है ना खुराक में दाखिल होना है. क्लियर है ये चीज़? द फूड एंटर स्पॉन्जोसाइल कैविटी थ्रू ओस्ट्रिया. ठीक है, फूड को इंजेस्टेड किया जाता है फ्लैजिलेटेड सेल्स में, जिसको मैंने किसका नाम दिया है, जिसको नाम दिया है क्वानोसाइट्स. ये क्या है? ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं. इनकी अपेयरेंस में ये देखें फ्लैजेला आप लोगों को नज़र आता है, इसमें कॉलर सेल्स मौजूद हैं. ठीक है, ये क्या है? क्वानोसाइट्स की मदद से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. अब वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ तो वो डिफ्यूज कर जाती हैं स्पॉन्ज से डायरेक्टली थ्रू द बॉडी वॉल. ठीक है, या फिर ये सॉलिड, या फिर दूसरा इसका क्या वे होता है कि ओस्क्यूलम के जरिए जो है ना ये फ्लो आउट हो जाती है. ठीक है, ये जो बॉडी वॉल है इसके जरिए या तो जो वेस्टेज होता है
डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जो ये ऑस्क्यूलम है इसके जरिए जो है वो वेस्टेज जो है आउट ऑफ दी बॉडी जाता है। अब जो अडल्ट स्पॉन्जेस के हवाले से बात करें ना, तो वो स्टेशनरी होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। इन्होंने ज़्यादातर जो अपना जो लाइफ है ना वो गुजारनी होती है चट्टानों के साथ जुड़कर, ठीक है, और ये बॉटम में मौजूद होते हैं, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ जो ना ये अटैच होते हैं। किन की बात कर रही हूँ? अडल्ट स्पॉन्जेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनके जो लार्वा होती है इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सके। ये किसके हवाले से मैंने आपको बताया है? मैंने बताया है स्पॉन्जी के अडल्ट एनिमल की फॉर्म में। इसके अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। न्यूरोसेंसरी जो है ना वो स्ट्रक्चर न्यूरोन सेल्स तकरीबन थोड़े से प्रेजेंट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर, क्लियर। इसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोगों ने स्पिक्यूल का नाम दिया। ये क्या है? इसके स्केल्टन में मौजूद है। कौन सा स्ट्रक्चर है? नीडल लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्पिक्यूल है ना ये कैलकेरियस, ठीक है, और सिलेशियस भी हो सकते हैं, यानी कि सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से ये स्पिक्यूल मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं स्पिक्यूल? कैल्शियम कार्बोनेट और या फिर ये सिलिका से मिलकर बनती हैं। ये जो बाद स्पॉन्जेस हैं उनके पास स्केल्टन होता है स्पॉन्जिन फाइबर का। किसका स्केल्टन होता है? स्पॉन्जिन फाइबर का स्केल्टन मौजूद होता है। अब स्केल्टन इज प्रेजेंट अमंग पिनाकोसाइट्स, ठीक है। ये देखिए ये पिनाकोसाइट्स के अंदर क्या मौजूद है? स्केल्टन मौजूद है, जहाँ पे मैंने आपको स्क्यूल्स दिखाए, ठीक है। उसके अलावा मैंने मेम्ब्रेन सेल्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने इस बॉडी को स्पोर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब स्पिक्यूल जो है ना आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड ऑस्क्यूलम और ऑस्ट्रिया। ये जो ऑस्क्यूलम के इर्द गिर्द, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के पास भी क्या मौजूद होते हैं? स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो आपको लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ। नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम, कोई भी इसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। नो नर्वस सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है इसके अंदर? कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि वाटर की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। स्केल्टन में देखा कि स्केल्टन किस फॉर्म में, मैंने इसका बताया है स्पिक्यूल की फॉर्म में। स्केल्टन द फॉर्म ऑफ नीडलाइज स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड स्पिक्यूल। स्पिक्यूल क्या है जी? ये नीडलाइज स्ट्रक्चर है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से मिलकर बनता है, और इस स्केल्टन ने इस स्पिक्यूल्स ने प्रोवाइड करनी होती है स्पोर्ट, ठीक है। और ये स्पिक्यूल्स मौजूद होती हैं अराउंड ऑस्क्यूलम एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें, किसके हवाले से? रिप्रोडक्शन के हवाले से, तो इसमें जो है ना दो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होती है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए ना, किसकी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो वो बडिंग के जरिए होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो किसके जरिए होती है? बडिंग के जरिए, बर्ड की फॉर्मेशन होती है बडिंग के जरिए होती है। बर्ड ये या फिर एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल। बर्ड किस फॉर्म में हो सकता है? एक्सटर्नल भी या फिर इंटरनल, क्लियर। अब इंटरनल जो बर्ड है ना उसको हम लोग गैम्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैम्यूल्स का नाम लेते हैं। किसको? इंटरनल बर्ड। अगर तो बर्ड इंटरनली फॉर्म्ड होता है उसको किसका नाम देते हैं? गैम्यूल्स का, ठीक है। बोथ टाइप्स ऑफ बर्ड्स डेवलप इन आर
टू आर न्यू स्पॉन्जेस, चाहे वो एक्सटर्नल बड हो या इंटरनल बड हो, अगर इसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो न्यू स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन होती है। ये थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात। अगर मैं आपको बताऊँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से तो वो किस तरह से होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइलम पोरिफेरा, तो उसके अंदर जो है मोस्टली जो होता है ना ये हर्माफ्रोडाइट होती है। क्या होती है, हर्मा यानी कि मोस्टली प्रोटेंड्रियस होती है, जिसमें जो है ना मेल सेक्स की जो डेवलपमेंट है ना वो पहले हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, जिसके अंदर क्या होना है, प्रोटेंड्रियस होगी। ये क्या होगी, प्रोटेंड्रियस, यानी कि मेल जो सेक्स है वो पहले उनकी फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, स्पर्म्स रिलीज करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, जैसे स्पर्म्स रिलीज करते हैं पानी के अंदर तो ये कैरिड कर लिए जाते हैं एग्स में, किसके जरिए, एमीबॉइड सेल्स में। एमीबॉइड सेल्स कहाँ मौजूद है, ये मेसोग्लाई की स्ट्रक्चर में मौजूद है, जो कि पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के अंदर है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होती है ना, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेसेनकाइमा एंड जायगोट इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, मेसेनकाइमा में। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर इन मेसेनकाइमा, कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, मेसेनकाइमा में। ठीक है, और जायगोट की कहाँ फॉर्मेशन होनी है, जायगोट भी फॉर्म्ड होना है। फर्टिलाइजेशन अकर इन मेसेनकाइमा एंड जायगोट इज फॉर्म्ड। अब जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें ब्लास्टुला और लार्वल स्टेजेस आ जाती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जेस, इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है जी, डेवलपमेंट अकर थ्रू, अकर थ्रू ब्लास्ट।